गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो आजकल ये वाली वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को एडिट करके बताएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और हाँ, जो हमारा मेन चैनल है जिस पर 11.2 के सब्सक्राइबर है, उस पर कुछ इश्यू आ गए हैं, तो उस वजह से हम उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आगे आने वाली वीडियोस होगी वो इसी चैनल पर आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इन तीन ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है, VPN, CapCut और बैकग्राउंड इरेजर। इनमें से जो VPN और बैकग्राउंड इरेजर का ऐप है, इन दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो CapCut है उसको आपको गूगल से डाउनलोड करना होगा। सो अगर आपको इसका डाउनलोड लिंक नहीं मिलता है तो आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर लेना है हाउ टू डाउनलोड CapCut ऑन मोबाइल। तो इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो आपके सामने शो होने लग जाएंगी, तो आप उन वीडियोज की हेल्प से CapCut को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीनों ऐप्स को डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना जो VPN है उसको कनेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पर VPN पहले से कनेक्ट है, मैं सिंपली अपने CapCut ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो जाने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पर टैप कर लेना है एंड यहाँ पर से अपनी वीडियोस को सेलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो वीडियोस को ऐड कर लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका साउंड ऑफ कर लेना है। सो हमारे वीडियो कुछ इस टाइप से है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको भी ऐसी अपनी वीडियोस को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी जो वीडियो है उसकी फर्स्ट वाली स्क्रीन पर आ जाना है, मतलब अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आ जाना है। देन यहाँ पर वीडियो पर टैप करके लास्ट में एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, लास्ट थर्ड में या फोर्थ में फ्रीज का, इस पर टैप कर लेना है। इससे क्या होगा, जिस स्क्रीन पर आप थे वहाँ पर से एक फ़ोटो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी एंड यहाँ पर 3 सेकंड की एक फ़ोटो ऐड हो जाएगी। इसकी लेंथ में थोड़ा कम कर लेता हूँ, परफेक्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फुल स्क्रीन वाले आइकन पर टैप करके यहाँ पर इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन यहाँ पर आपको इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर अपना जो ये मंदिर वाला पार्ट है इसको इरेज कर लेना है एंड इरेज करने के बाद इसे अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। देन यहाँ पर जो बैकग्राउंड इरेजर वाला ऐप है इसको ओपन करके यहाँ पर से जो ये मंदिर के नीचे वाला पार्ट है इसको रिमूव कर लेना है। इस टाइप की कुछ एक PNG क्रिएट कर लेनी है। इसके लिए आपको जो ये मंदिर के नीचे का पार्ट है एंड जो ये ऊपर का आसमान है, इन दोनों को रिमूव करना होगा। सिर्फ आपको जो मंदिर वाला पार्ट है उसको PNG के फॉर्म में सेव कर लेना है, ठीक है। इन दोनों फोटोज को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ओवरले पर टैप कर लेना है एंड यहाँ पर से जिस फोटो को आपने वेबसाइट की मदद से यहाँ पर मंदिर को रिमूव किया था उस वाली फोटो को पहले ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर उस फोटो को पहले ऐड कर लेता हूँ, परफेक्ट। सो मैंने यहाँ पर फोटो ऐड कर लिया, मैं इसके साइज को फुल स्क्रीन के साइज कर लूँगा। सो हमारी फोटो कुछ इस टाइप से ऐड हो चुकी है। अब इसकी लेंथ को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ अपनी ऊपर वाली फोटो के अकॉर्डिंग। सो मैंने कुछ इस टाइप से एक रफली इमेज क्रिएट की है। आपको अच्छे से यहाँ पर मंदिर को रिमूव कर लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से फर्स्ट पार्ट में आ जाना है एंड यहाँ पर से हमने जो एक मंदिर की PNG क्रिएट की थी उसको ऐड कर लेना है एंड इसके साइज को भी फुल कर लेना है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी लेंथ को भी कम कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ फ़र्क पता नहीं लग रहा होगा, बट मैं आपको बताता हूँ। इसको दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने ये PNG ऐड की है मंदिर की, इस PNG पर एक एनिमेशन ऐड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली PNG पर ऐड करके एनिमेशन पर टैप करेंगे एंड यहाँ पर इन वाले सेक्शन में आप अगर स्क्रॉल राइट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर शो होगा स्लाइड अप का। इसके अलावा भी कई सारे यहाँ पर एनिमेशन है, आप से किसी भी एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसी को ऐड कर लेता हूँ एंड इसकी लेंथ आपको 0.5 सेकेंड या 4 सेकेंड ही रखनी है एंड इसको ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको पहले एक ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी जिसमें मंदिर वाली PNG ऐड नहीं है, बट आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मंदिर आ जाएगा। सो ये कुछ इस टाइप से एनिमेट होगा। सो अब जहाँ पर हमारा ये मंदिर यहाँ पर ऊपर ऐड हो रहा है यहाँ पर तक, सो मैं इसकी लेंथ को यहाँ पर फिर से छोटा कर लूँगा अपनी फोटो की लेंथ को, ओके। सो अब जैसे हम अपनी वीडियो को प्ले करेंगे तो हमारी वीडियो कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारी फ़ोटो ये यहाँ पर ऐड हो रही है यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट ऐड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ऑडियो पर टैप कर लेंगे एंड यहाँ पर से जो इफेक्ट वाला सेक्शन है इस पर टैप करके वुश वाला साउंड ऐड कर लेंगे। आपके सामने यहाँ पर कई सारे वुश वाले जो साउंड इफेक्ट है वो सोने लग जाएंगे। मैं इस सेकेंड वाला ऐड कर लेता हूँ। सो जब ये प्ले होगा सो कुछ इस टाइप से यहाँ पर वॉइस आएगी। आप चाहे तो किसी और यहाँ पर साउंड इफेक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से अपनी जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा बैकग्राउंड है मंदिर का उसको रिमूव करके यहाँ पर एक वीडियो ऐड करनी है। सो उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो चूज़ की है। अब इस पर हमें क्या करना है, पीछे से बैकग्राउंड में जो ब्लू स्काई है उसको रिमूव करके एक वीडियो ऐड करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आ जाना है
देन यहाँ पर से ओवरले पर टैप करके यहाँ पर उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसको हमने ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ पर फोटोज भी ऐड कर सकते हैं। सो मेरे पास अभी इतना ही पार्ट है, सो मैं इसी वीडियो को यहाँ पर ऐड करके दिखाऊंगा आपको। आपको क्या करना है, जिस वीडियो को आपको ऐड करना है उसको यहाँ पर ओवरले के फॉर्म में ऐड कर लेना है एंड इसको ऊपर ले जाकर जहाँ पर भी आपको ऐड करना है वहाँ पर यहाँ पर इसको प्लेस कर लेना है। परफेक्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने जो मेन वीडियो है उस पर टैप करके इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है एंड देन इस कॉपी पर टैप करके इसको ओवरले के फॉर्म में नीचे लेके आना है। तो इस पर ओवरले पर टैप करके ये नीचे आ जाएगी। अब इसको ड्रैग करके यहाँ पर हम नीचे लेके आएंगे एंड जैसे हमारी फर्स्ट वाली क्लिप है यहाँ पर उसी के नीचे से लेके आएंगे तो यहाँ पर ये ओवरलैप हो जाएगा। अब असली मैजिक यहीं पर स्टार्ट होता है। आपको पहले क्या करना है, देख सकते हैं आप जो हमारी वीडियो ये वाली है ये ऊपर आ चुकी है बट हमें ये वाली वीडियो ऊपर चाहिए जो हमने ओवरले के फॉर्म में अभी ऐड की है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली वीडियो पर टैप करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा लेयर का, इस पर टैप कर लेना है देन सेकंड पर टैप करके ओके कर लेना है तो हमारी ये वाली वीडियो ऊपर आ जाएगी। देन यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली इस वीडियो पर टैप करके इसका जो ब्लू स्काई है उसको रिमूव कर लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कटआउट के ऑप्शन पर टैप कर लेंगे एंड क्रोमा की पर टैप कर लेंगे। देन यहाँ पर कलर पिकर वाले टूल पर टैप करके जो ब्लू स्काई है इस पर ले जाकर देन इसकी इंटेंसिटी को मैं यहाँ पर अराउंड 15 कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। सो जैसे ही वीडियो प्ले होगी सो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर एनिमेट होगी। आप जब इस वीडियो को एडिट कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, जो ये ऐप है ये थोड़ा सा लैग करता है सो आपको बहुत ही केयरफुली इसको एडिट करना है। सो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो इसका है वो रिमूव हो चुका है, उसी को हमने एक वीडियो को ऐड कर लिया है। सो हमने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट्स को एडिट कर लिया है। मैंने यहाँ पर मेनली इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर बताया है। तो आप इस टाइप से अपनी वीडियो को बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग फिर भी कुछ क्वेरी होती है तो आप सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, मेक श्योर आप हमारे इस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अब से जो भी वीडियो आएगी वो इसी चैनल पर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।